मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, पहला है आहार नाल द चैनल ऑफ फूड या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल द चैनल ऑफ फूड या ऊपर माउथ या ओरल कैविटी से आरंभ होकर नीचे एनल कैनल या एनस पर खत्म होता है, जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मूलभूत 4 टिश्यू लेयर लोअर एसोफेगस से एनल कैनल तक की व्यवस्था रहती है, जो इस प्रकार है: म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलारिस और सेरोसा। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम तथा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, के कंट्रोल में रहता है। चाइनीज मेडिसिन के अनुसार आहार नाल या GI ट्रैक अर्थ एलिमेंट के अधीन रहता है, जिसका सीधा संबंध ह्यूमिडिटी एनर्जी से होता है। अब कलर्स के माध्यम से डाइजेस्टिव ट्यूब या GI ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट को समझेंगे, जो ह्यूमिडिटी एनर्जी की ब्रांच एनर्जी या शाखा ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ओरल कैविटी और एसोफेगस ग्रीन कलर का है, जो डाइजेस्टिव ट्यूब मतलब ह्यूमिडिटी एनर्जी के ब्रांच विंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह स्टमक रेड कलर का है, जो डाइजेस्टिव ट्यूब मतलब ह्यूमिडिटी एनर्जी के ब्रांच हीट एनर्जी को दर्शाएगा। डोडिनम ऑरेंज कलर, जो कि ब्रांच हॉटनेस ऑफ ह्यूमिडिटी होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन येलो कलर, ब्रांच ह्यूमिडिटी ऑफ ह्यूमिडिटी होगा। लार्ज इंटेस्टाइन ब्राउन कलर, ब्रांच ड्राइनेस ऑफ ह्यूमिडिटी होगा। तथा रेक्टम ब्लू कलर, जो ह्यूमिडिटी एनर्जी के ब्रांच कोल्डनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं, जो इस प्रकार है: सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर। ये ग्लैंड बहुत तरह के एंजाइम का स्राव करते हैं, जिससे कि खाया हुआ भोजन का आसानी से पाचन हो सके। जैसे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा या सैलिवरी एमाइलेज का स्राव होता है, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन इत्यादि का स्राव होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर से बाइल का स्राव होता है, जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, जैसे मुंह से संबंधित समस्या या विकार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। घेघा या एसोफेगस से संबंधित विकार, जठर या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित विकार, पैनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित समस्या, और अंत में गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम।